अपने आसपास अनेक प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं ध्वनि प्रकृति का अभिन्न अंग है अधिकांश प्राणी ध्वनि द्वारा ही अपनी संवेदनाओं का आदान प्रदान करते हैं हमारी भी अनेक गतिविधियां ध्वनि द्वारा ही प्रभावित होती हैं। ध्वनियों का उपयोग करके हमने बोलचाल की एक भाषा विकसित की है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं हमने ऐसे यंत्र बनाए हैं जिनसे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है ये हमारे मनोरंजन के साधन हैं। क्या आप जानना चाहेंगे ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है आइए जरा सितार को निकट से देखते हैं जब सितारवादक इसके तार को छेड़ता है तो इसमें कंपन होता है और विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है तरंग के पात्र, जब इन्हें बजाते हैं तो इनमें कंपन होते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है क्या आप पात्रों में भरे जल को ध्यान से देख रहे हैं जब इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है तो जल में तरंगे फैलती हैं ड्रम में ध्वनि उत्पन्न होती है उस पर मड़ी खाल को पीटने से पर इसके ऊपर पड़े चावल के उछलने लगते हैं खाल में होने वाले कंपनों के कारण और इन कंपनों के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है सच तो यह है कि हर ध्वनि का स्रोत कोई ना कोई कंपन करने वाली वस्तु होती है पर क्या सभी प्रकार के कंपनों को सुना जा सकता है आइए एक प्रयोग द्वारा देखते हैं यह धातु की लगभग आधा मीटर लंबी पत्ती है इसके एक सिरे को क्लैम्प की सहायता से मेज के किनारे पर कसते हैं देखें कि इस मुक्त सिरे को दबाकर छोड़ने पर क्या होता है पत्ती का यह सिरा अपनी माध्यस्थिति के दोनों ओर ऊपर नीचे कंपन करता है यह माध्यस्थिति ओ से तक, फिर ओ को पार करते हुए सी तक और फिर वापस ओ पर लौट आता है ओ से बी फिर बी से सी और सी से वापस ओ तक लौटने का यह क्रम एक कंपन कहलाता है एक बार दबाकर छोड़ने पर पत्ती का मुक्त सिरा इस प्रकार के अनेक कंपन करता है माध्यस्थिति के एक ओर विस्थापन की अधिकतम दूरी OB या ओ सी कंपन का आयाम कहलाती है आप पत्ती के मुक्त सिरे को कंपन करते हुए देख रहे हैं क्या इनसे उत्पन्न कोई ध्वनि आपको सुनाई दे रही है नहीं ना आइए कंपन का आयाम बढ़ाकर सुनने की कोशिश करते हैं कुछ सुनाई दिया क्या नहीं अभी भी नहीं इससे क्या निष्कर्ष निकलता है सभी कंपन हमें सुनाई नहीं देते हमने देखा कि जो कंपन हमें सुनाई नहीं देते उनका आयाम बढ़ाकर भी हम उन्हें नहीं सुन पाते फिर कंपनों का वो कौन सा गुण है जो उनकी श्रव्यता को निर्धारित करता है आइए अपने प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं इस बार हम कंपनों की गति पर ध्यान देते हैं दस कंपन पूरा करने में कितना समय लगता है यह हम स्टॉप वॉच द्वारा ज्ञात कर सकते हैं स्टॉप वॉच का बटन दबाने पर यह चालू हो जाती है दोबारा बटन दबाने पर यह रुक जाती है और एक बार फिर इसका बटन दबाने पर इसकी सुई अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है पत्ती जब अपनी माध्य स्थिति से गुजरती है तो स्टॉपवॉच चालू कर देते हैं और साथ ही कंपन गिनना भी शुरू कर देते हैं दस कंपन पूरा होते ही स्टॉपवॉच बंद कर देते हैं आइए इस प्रकार दस कंपनों में कितना समय लगता है ज्ञात करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस कंपनों में समय लगा पाँच दशमलव नौ सेकेंड कंपन करते पिंड द्वारा एक सेकेंड में किए जाने वाले कुल कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्स होता है क्या यह आवृत्ति कंपनों के आयाम पर निर्भर करती है आइए देखते हैं इस पत्ते के कंपनों का आयाम बढ़ाकर 10 कंपनों का समय ज्ञात करते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस आयाम बढ़ाकर 10 कंपनों का समय आया 6 सेकंड। जो पिछली बार दस कंपनों में लिए गए समय के लगभग बराबर है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कंपन करते पिंड की आवृत्ति उसके कंपनों के आयाम पर निर्भर नहीं करती तब क्या आवृत्ति पत्ती की लंबाई पर निर्भर करती है आइए इस पत्ती की लंबाई को घटाकर देखते हैं क्या पत्ते की लंबाई घटाने पर कंपनों की गति तेज हो जाती है आइए दस कंपनों में लगा समय को मापकर इस तथ्य को सुनिश्चित करते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस कंपनों में समय लगा चार दशमलव दो सेकेंड जो पिछली बार के दस कंपनों में लिए गए समय से कम है पत्ती की लंबाई घटाने से उसके कंपनों की गति तेज होती है यानी दस कंपनों में लिया गया समय कम हो जाता है अतः कंपनों की आवृत्ति बढ़ जाती है आइए पत्ते की लंबाई को थोड़ा और घटाकर देखते हैं अब तो इसकी आवृत्ति इतना बढ़ गई है कि कंपन गिनना मुश्किल है पर क्या अब कोई ध्वनि सुनाई दे रही है जी हाँ एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले कंपनों को ही सुना जा सकता है यानी कि श्रव्यता निर्भर करती है कंपनों की आवृत्ति पर पर वे कौन सी आवृत्ति के कंपन हैं जिन्हें सुना जा सकता है आइए इसके लिए एक अन्य प्रयोग करते हैं यह एक श्रव्य ध्वनि जनित्र है जो इस स्पीकर से जुड़ा हुआ है इन बटनों को दबाकर हम ध्वनि की आवृत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं आवृत्ति का मान यहाँ से पढ़ सकते हैं आवृत्ति को धीरे धीरे बढ़ाकर देखते हैं कि क्या ध्वनि सुनाई देती है इस समय 10 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न हो रही है जो हमें सुनाई नहीं देती आवृत्ति को और बढ़ाते हैं आवृत्ति लगभग 20 हर्ट्ज होते ही ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो गई बढ़कर हो गई है एक किलो हर्ट्स यानी कि एक हजार हर्ट्स ध्वनि अभी भी सुनाई दे रही है आवृत्ति लगभग 20 किलो हर्ट्ज हुई तो ध्वनि सुनाई देनी फिर से बंद हो गई हमने देखा कि लगभग 20 हर्ट्ज से बीस हजार हर्ड्स आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देती है सामान्य मानव के लिए श्रवण सीमा 20 से बीस हजार हर्ड्स आवृत्ति की ध्वनि है 20 से कम आवृत्ति की ध्वनि अवश्रव्य ध्वनि कहलाती है 20,000 हजार हर्ट से अधिक आवृत्ति की ध्वनि पराध्वनि कहलाती है हमारे कान की संरचना कुछ ऐसी है कि अवश्रव्य ध्वनि और पराध्वनि को इनसे नहीं सुना जा सकता लेकिन हाथी चमगादड़ कुत्ते आदि अनेक ऐसे जानवर हैं जो इन ध्वनियों को सुन सकते हैं अब प्रश्न उठता है कि ध्वनि कंपन करते स्रोत से हमारे कान तक कैसे पहुंचती है जब कोई ध्वनि स्रोत कंपन करता है तो उसके आसपास के माध्यम के कण भी कंपनशील हो जाते हैं और माध्यम में संपीडन और विरलन के क्रम सभी दिशाओं में फैलने लगते हैं संपीडन और विरलन के रूप में चलने वाली ये तरंगे व्यक्ति के कान में पहुंचकर स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि का बोध कराती हैं लेकिन यदि ध्वनि स्रोत के इर्द गिर्द कोई माध्यम ना रहे तो क्या ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचेगी आइए एक प्रयोग द्वारा जानें। इस बोतल के ढक्कन में पाइप का एक सिरा सील किया हुआ है पाइप का दूसरा सिरा वैक्यूम क्लीनर से जुड़ा है वैक्यूम क्लीनर को चलाते ही बोतल के अंदर की हवा बाहर निकल आती है और वैक्यूम क्लीनर को बंद करते ही हवा वापस बोतल में आ जाती है अब हम इस अलार्म घड़ी को बोतल में डालकर देखते हैं क्या होता है अब इस ढक्कन को लगाते हैं अलार्म की आवाज सुनाई दे रही है अब वैक्यूम क्लीनर को चलाते हैं ये क्या ये आवाज तो बहुत धीमी हो गई दोबारा वैक्यूम क्लीनर को बंद करते हैं आवाज पूर्वत सुनाई दे रही है यदि हमारे पास वैक्यूम क्लीनर ना हो तो इस प्रयोग को हम एक और प्रकार से भी कर सकते हैं एक अलार्म घड़ी को एक गिलास में रखकर इसके अंदर की हवा अपने मुंह से खींचते हैं और सुनते हैं कि इसकी ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम चाहिए जैसे कि वायु पर क्या ध्वनि द्रव में भी गमन करती है आइए एक अन्य प्रयोग करते हैं इस अलार्म घड़ी को इस पॉलीथीन में लपेट करके इस पानी से भरे जार में डालकर देखते हैं कि क्या होता है हमें आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है पानी के अंदर से भी घड़ी का अलार्म लगातार सुनाई दे रहा है यानी कि ध्वनि द्रव में गमन करती है पर क्या ध्वनि ठोस माध्यम में भी गमन कर सकती है क्या आपने कभी माचिस की डिब्बियों का टेलीफोन बनाया है इसके एक छोर पर बोलने पर दूसरे छोर पर ध्वनि साफ सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि डोरी के माध्यम से एक छोर से दूसरे छोर तक गमन करती है पर क्या ध्वनि संचरण की कोई निश्चित चाल होती है यह एक 18 मीटर लंबा पाइप है जिसका एक सिरा खुला है और दूसरा बंद है जब इसके खुले सिरे के पास मुंह रखकर बोलते हैं तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है इसका कारण है कि ध्वनि को खुले छोर से बंद छोर तक जाने में और बंद छोर से टकराकर वापस खुले छोर तक आने में कुछ समय लगता है यानी कि ध्वनि एक नियत चाल से गमन करती है पर क्या ध्वनि की चाल हर माध्यम में एक जैसी होती है या फिर भिन्न भिन्न ध्वनि की चाल किसी माध्यम में सुनिश्चित होती है अरे इस व्यक्ति को रेलगाड़ी के आने की पूर्व सूचना कैसे मिल गई ना रेलगाड़ी दिखाई पड़ रही है ना उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है तो क्या पटरी में उसकी गड़गड़ाहट की ध्वनि पहले ही आ गई हां यही बात है पर जानते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि लोहे में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल से लगभग 16 गुना अधिक है आज हमने ध्वनि स्रोत और ध्वनि संचरण के संबंध में जो कुछ भी सीखा आइए उसका पुनर्स्मरण करते हैं